आप भी करो ना अपने पेरेंट्स के साथ, आपके कल बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, उनके लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर योर लिटिल। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो उसको दे दो, अपने इन अरमानों को जगाओ। ये मत सोचो वो क्या कहेगा, इफ आई एम गोइंग दिस एक्ट, इफ आई एम गोइंग दिस एक्शन, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या, ये मत सोचो, अपनी विल पावर को देखो और आगे जाओ। अरे यार 24 आवर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वक्त वापस आने वाला नहीं है तुम्हारे पास। ये दिन, ये मार्च, ये मंथ, ये महीना, ये सेकंड नहीं आएगा तुम्हारे पास वापस। इट्स लाइक अ फ्लो ऑफ वॉटर, व्हेन यू टचेस इट एंड यू नेवर टचेस द सेम वॉटर, सेम फ्लो ऑफ वॉटर, नेवर, इट नेवर हैपनस। आपके पास वक्त गया तो सब कुछ गया। अपने वक्त को मैनेज करो, नॉट मीन मस्ट मिस मैनेज, वो आपको बर्बाद कर देगा। वक्त को यूटिलाइज करना सीखो। अरे हमारे मौली जुमा में कहते हैं अक्सर, अरे रिज़िक देने वाला तो वो है। अब मैं किसी को कहता हूं यार क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, नीट की पढ़ाई करो, आईएएस की करो, केएएस की करो, हर कोई कहता है रिज़िक देने वाला खुदा है। अरे यार वो चमचा लेके आएगा तुम्हारे मुंह में ठोस देगा वो। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो फॉर एक्ट, यू हैव टू गो फॉर एक्शंस, यू हैव टू गो फॉर डिसीजंस। 3-4 बातें हैं जो आपको रेस्पेक्ट दे सकती है, जो दूसरों को रिफ्लेक्ट कर सकती है। अरे अगर आपका कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आप उसी में डूबे हो। अगर आप किसी को फोन पे हेलो हाउ आर यू, आपकी आवाज सुनना चाहता था, अरे यार आवाज तो क्या, वो आपकी लाश भी देखना नहीं चाहेगी कल। क्यों अपने आप को मार रहे हो? आइडिया बनता कांड तो बहुत करता है लेकिन आगे भी जाता। अगर नरेंद्र मोदी 10th या 9th, अभी तक तो RTI के हिसाब से कोई जॉब नहीं आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन का। लेकिन मैं तो कहता हूं बंदा यार सही है, लोग उसके खिलाफ गालियां दे रहे हैं, लेकिन ही टेल्स टू द आई वाज टीम मेकर, आई वाज डू लाइक दैट देन प्रेजेंटली सेकंड टर्म बीइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड रिमेंस मोर देन 3 times आई थिंक सो, नॉट फुली, नो आई डिड 2 or 3 times बीइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। अगर वो 10th जमात में, 8th जमात में, 5वीं, मम्मा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, उसकी मम्मा क्या कहती वापस, पता है आप लोगों को? वो उसको वापस कहती यार यजार था बराबर ना था के नीज बराबर, ध्यान थी क्या बोलते प्राइम, यू थी क्या बोलते ब्लडी क्लर्क, यू थी क्या बोलते अकाउंटेंट, व्हाट यू आर थिंकिंग आई एम बिकम टू प्राइम मिनिस्टर, व्हाट नॉनसेंस स्टूपिड यू आर, बट प्रेजेंटली ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, शो दैट इज द एफर्ट्स। कहीं रातों को नहीं सोया, कहीं सालों को नहीं सोया होगा वो, क्योंकि बट पुटिंग यू एफर्ट्स कंटिन्यूअसली एंड आई होप सो दैट आई हैव अ फर्म बिलीव दैट अ पर्सन विच पुटिंग देयर एफर्ट्स कंटिन्यूअसली इन नेवर बी अ फेलियर। पता है आप लोगों को, अगर खुदा को भी कोई बंदा पसंद नहीं हो, लेकिन जब वो हार्डवर्क पे हार्डवर्क ठोकता है ना, हार्डवर्क पे ठोकता है, तो खुदा भी कहता है यार इसको दे दो, इसने मुझे परेशान किया है, इसको दे दो, जो ये चाहता है इसको दे दो, किसी बंदे को रोक लो जो हार्डवर्क नहीं कर रहा, इस बंदे को दे दो, ही डिजर्विंग, इसने यार मेरे कान भी खा लिया है। सोचना जरूरी है, एक्ट जरूरी है, डिसीजन जरूरी है। जब खुदा ने वो कुछ भी कर सकता है, लिटिल बिट सेकंड स्पॉट ऑफ सेकंड कर सकता है हमारा गॉड। उसने जमीन और आसमान को क्यों लगा दिए 7 दिन, क्यों लगा दिए उसने 7 दिन बनाने में, वो दिखाना चाहता था। अरे वहां का हमारा सिस्टम देखो, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई वो समथिंग, वो अल्लाह वो तबलीगी जमात में जा रहा है, व्हाट इज अ फन दैट, जो अपने प्रोफेशन के साथ वफा नहीं कर सकता वो अल्लाह वालों के साथ क्या जा रहा है। उसको तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कुर्सी दी थी, इफ ही सर्व द पीपल आई थिंक सो, उसके लिए कुछ नहीं था, वो तो जन्नत में इजी जा सकता था। हिम्मत सोचो, कोई अल्लाह वालों के साथ जा रहा, कोई एफर्ट्स माँ बाप को दुख देके, कोई, हाँ मैं कहता हूं नमाज पढ़ो, 5 टाइम पढ़ो, किसने रोका है तुम्हें, यू प्रे नाइट में प्रे करो, तहज्जुद पढ़ो, कौन रोक रहा है तुम्हें। लेकिन ये मत सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ, मुझे तबलीगी जमात में मुझे वो करना है, वे करना है, यार वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव बीन क्रिएटेड सम सॉलिडरी रीजन, वन सॉलिडरी रीजन इज दैट टू क्रिएट अ पाथ फॉर अ ह्यूमन बींग, ही फील्स हैप्पी, हाउ अमेजिंग इज दैट, कितना आप अपने आप को खुश महसूस करो। अरे खुशी को खुश देखे, किसी को खुशी दे दो, किसी की खुशी मत छीनो, खासकर अगर आप किसी गैर को खुशी नहीं दे सकते, अपने पेरेंट्स को दे दो यार, वेयर आर यू गोइंग, क्या कर रहे हो तुम, जीने का मकसद है कुछ,
लतावाली भेजा है नहीं यहाँ पे, दैट्स इंपॉर्टेंट जॉब। वो कहना चाहता है, वो देखना चाहता है किसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, किस जिस जिस बंदे को मैंने प्रोफेशन दे दिया वो उस प्रोफेशन पे उतरा है कि नहीं या भाग रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वी नीड टू बिकम अ जॉर्ज बियर ऑफ अवर सोसाइटी। मैं कहता हूं आई फर्मली दैट हमारी 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 जो है ना ये यूथ्स है, दे आर गोइंग टू कंप्लीटली इन डॉट वेयर, दे डोंट नो वेयर टू गो, पुटिंग अ मोबाइल 24 आवर्स इन देयर हैंड्स, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अरे यार, एक मैसेज करते हो या अपना फोटो डालते हो, दिन भर देखते रहते हो कितने कॉमेंट्स आ गए। अरे क्या रश है ये, क्या मिलता है आप लोगों को इसमें? आप कॉमेंट्स डाल दो मत, दिन भर ये फिक्र मत रखो, कुछ भी लिखो, फोटो डाल दो। हाँ, टेक्नोलॉजी तो यूज कर रही है, लेकिन दिन भर उसी परेशानी में मत रहो कि हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास कितने कॉमेंट्स आ गए, नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स। कुछ बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता नहीं है, वो नेगेटिव कमेंट्स डाल देते ठीक ठाक यहां से रिप्लाई।